हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस एक और नई वीडियो में। मैं अथर्वा आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ आपकी मारुति से आने वाली सबसे पॉपुलर हैचबैक जो है मारुति वैगनार। अगर मैं इस वेरिएंट की अगर बात करूँ तो इसका है ये सीएनजी का वेरिएंट, जहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं तो वहाँ पे सीएनजी काफ़ी सेंस बनाता है, तो काफ़ी सेंसिबल चॉइस होती है सीएनजी लेना। तो ये वेरिएंट है इसका एलेक्साई ऑप्शनल और नॉर्मल एलेक्साई में यही एक डिफरेंस है कि उसमें एक एयरबैग आता है और इसमें दो, और कोई आपको इसमें डिफरेंस नहीं मिलता। तो आज मैं आपको इसका देने वाला हूँ एक ओवरव्यू और क्या आपको इसमें फ़ीचर्स मिलते हैं और क्यों आपको ये नॉर्मल पेट्रोल वेरिएंट से बाई करनी चाहिए सीएनजी के लिए। तो मैं स्टार्ट करते हैं इसकी कीज़ से। तो यहाँ पे हमें दो मैनुअल कीज़ मिलती है, कोई सेंट्रल लॉकिंग इसमें नहीं आती है और सिर्फ दो कीज़ मिलती है, कोई बटन आपको इसमें नहीं मिलता। क्या ऑफकोर्स इसमें कोई सेंट्रल लॉकिंग नहीं है। तो बात करते हैं अब इसके हेडलैम्प्स की। तो यहाँ पे हमें सिंपल हैलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं, कोई आपको एलईडी सेटअप नहीं मिलता लो बीम और हाई बीम के लिए, दोनों के लिए। यहाँ पे इसकी इंडिकेटर्स और ये इसकी डिज़ाइन एक काफ़ी अच्छी लगती है इसकी हेडलैम्प्स की। तो काफ़ी बड़ी हेडलैम्प्स की एक काफ़ी बड़ी हेडलैम्प्स लगते हैं ये। नीचे आपको कोई फॉग लैम्प्स कंपनी प्रोवाइड नहीं करती। यहाँ से ओपन करते इसका टोइंग हुक, रेडिएटर ग्रिल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। इसकी आपको देख रहे हैं यहाँ पे आपको क्रोम की स्ट्रिप मिल जाएगी, बीच में सुजुकी का लोगो। और यही थी इसकी फ्रंट प्रोफाइल, काफ़ी बेसिक फ्रंट प्रोफाइल है इसकी और फीचर्स भी उसमें आपको नहीं मिलेंगे। ऊपर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका माइक्रोरूफ एंटेना, वाइपर्स की प्लेसमेंट और ये इसकी साइड प्रोफाइल। तो काफ़ी टॉल है ये कार और काफ़ी अच्छा हेडरूम प्रोवाइड करती है अपनी सेगमेंट में। आपको यहाँ पे इंडिकेटर्स फेंडर्स पे मिलते हैं और ये इसके ORVMs जो अनपेंटेड हैं, आपको ये इलेक्ट्रिकली एडजस्ट नहीं कर सकते ना आप फोल्ड कर सकते, आप इसको मैन्युअली आपको यहाँ पे फोल्ड और अनफोल्ड करना पड़ता है। ये देखिए टायर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको कोई व्हील कैप्स नहीं मिलते, ये नॉर्मल स्टील व्हील्स आपको मिलते हैं। पर आपको फ्रंट में मिल जाएगी इसकी डिस्क ब्रेक। और इसकी प्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे इसकी दी गई इसकी प्रोफाइल जो है 155/80 R13। तो बेस वेरिएंट में आपको 13 इंचेस के आपको टायर मिल जाएंगे। आपको डोर हैंडल्स भी आपको अनपेंटेड मिलते हैं, देखिए आप ब्लैक कलर के डोर हैंडल्स है। और इसमें सिर्फ आप सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती, तो इसमें सिर्फ आप अपना ड्राइवर साइड का डोर ओपन या क्लोज कर सकते हैं, अब ये बंद हो गया है। बी पिलर आपको पेंटेड मिलता है। अगर आप इसका ऊपर वेरियंट लेते, ऊपर का वेरियंट VX है, तो आपको यहाँ पर ब्लैक्ड आउट मिलता है इसका बी पिलर। रियर टायर में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती, तो इसमें आपको मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। सी पिलर पे आपको एक ब्लैक टाउट की फिनिश दी गई है जो एक काफ़ी अच्छी फिनिश है। आपको रियर विंडो काफ़ी अच्छी और बड़ी मिल जाएंगी। और ये है इसकी रियर प्रोफाइल, तो रियर प्रोफाइल से भी काफ़ी अच्छी लगती है वैगनार। और अच्छा काफ़ी बड़ी आपको यहाँ पर टेल लैम्प्स दी गई है। यहाँ पे इसकी नॉर्मल ये दिख रहे बल्ब है, LED सेटअप नहीं है। इंडिकेटर्स और ये इसके रिवर्स लाइट्स, बीच में आपको मिल जाएगा सुजुकी का लोगो, वैगनार की बैचिंग और यहाँ पे आपकी लगती है लाइसेंस प्लेट। सेंसर्स की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको सिर्फ दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं, ये इसके रिफ्लेक्टर्स। और बूट ओपन करने के लिए आपको कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन नहीं मिलता, तो यहाँ से हम की इंसर्ट करते हैं और ओपन करते हैं इसका बूट। अब ये लॉक हो गया है। तो ये है इसका बूट, मैं बोल रहा था ये CNG का वेरिएंट है। तो यहाँ पे आपको बेस वेरिएंट में भी पार्सल शेल्फ दी गई है जो एक काफ़ी अच्छी बात है। और आपका काफ़ी सारा बूट स्पेस, ये स्पेयर टायर जो वर्टिकली प्लेस्ड है और ये सिलेंडर की वजह से पूरा कवर होता है, तो काफ़ी कम बूट स्पेस आपको मिलता है। सीट आप 60-40 स्प्लिट नहीं कर सकते। और यहाँ से हम भरते इसका CNG और ये CNG का सिलेंडर। स्पेयर व्हील भी आपको 13 इंचेस का ही मिलता है, सेम साइज़ जो बाकी के व्हील्स आते हैं। आपको यहाँ पे कोई ग्रैब हैंडल नहीं दिया गया है इसे बंद करने के लिए। CNG की आपको यहाँ पे बैजिंग मिल जाएगी, हाई माउंट स्टॉप लैम्प, डिफोगर्स या वाइपर आपको ऑब्वियसली बेस वेरियंट में नहीं मिलेंगे और कोई वेरियंट की आपको बैजिंग भी नहीं मिलती। अगर मैं बात करूँ इसकी फ्यूल टैंक की, तो यहाँ से हम भरते इसका पेट्रोल और यहाँ से हम भरते इसका CNG।
तो इसमें आपको भरते हैं आपका CNG, तो काफ़ी अच्छी आपको दोनों का ऑप्शन मिलता है और काफ़ी अच्छी माइलेज आपको प्रोवाइड करेगी सिटी में जहाँ पे पेट्रोल के प्राइसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। और इसे ओपन करने के लिए आप सिर्फ आगे से ओपन कर सकते हैं, इधर से आप ओपन नहीं कर सकते। रियर सीट हम चेक करते हैं तो अरे यार, इसमें सेंट्रल लॉकिंग नहीं आती तो आपको मैन्युअली सब डोर्स ओपन करने पड़ते हैं। तो ओपन करते हैं इसका डोर तो देखते हैं। तो बैठ के देखते हैं कैसा स्पेस है। तो स्पेस आपको काफ़ी अच्छा मिलता है वैगनार में, जो इसकी मेन USP रह चुकी है। काफ़ी अच्छा आपको हेडरूम मिल जाएगा, थाई सपोर्ट थोड़ा कम लगता है और आप तीन लोगों को बिठा सकते हैं। सीट्स आपको मिलती है फैब्रिक की और ये बेज कलर की आपको सीट्स मिलती है। हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल नहीं मिलते दोनों, कोई आर्मरेस्ट का ऑप्शन भी नहीं मिलता। और डोर की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको पीछे आपको मैनुअल विंडोज़ मिलती है, कोई पावर विंडोज़ आपको नहीं मिलती। यहाँ पे आप दिया गया इसका हैंडल जो क्रोम फिनिश में नहीं आता। यहाँ पे आप अपने स्पीकर्स लगवा सकते हैं, बॉटल की स्पेस और पीछे कोई AC वेंट्स या चार्जिंग पोर्ट आपको नहीं मिलेगा। और यही था इसका इंटीरियर, और कुछ ऐसी दिखती है वैगनार पीछे से। कोई कैबिन लाइट्स आपको ऊपर नहीं दी गई है किसी भी प्रकार की, और वो कैबिन लाइट्स आपको सिर्फ आगे मिलती है। आगे की आपको हेडरेस्ट पे एडजस्टेबल आपको देख रहे हैं यहाँ पे नहीं मिलते, ये फिक्स्ड हेडरेस्ट है दोनों। कोई आपको मैगजीन होल्डर या स्कूप्ड आउट सीट बैग्स भी नहीं मिलते। तो काफ़ी बेसिक कार है ये, यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसकी सीट बेल्ट्स, तो काफ़ी बेसिक कार है। और अगर आप CNG चाहते हैं तो यही आपको ऑप्शन मिलता है वैगनार में। फ्रंट में आपको क्या फीचर्स मिलते हैं वैगनार की LXI ऑप्शनल में, तो चेक करते हैं। तो यहाँ से हमें ओपन करते हैं इसका पूरा डोर, तो आपको यहाँ पे ब्लैक डोर्स मिलते हैं और सीट्स आपको मिलती है बेज कलर की। तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन में आपको मिलती है कार की इंटीरियर्स, और डोर पे आपको सिर्फ दो पावर विंडो के स्विच मिलते हैं लॉक अनलॉक करने के लिए बटन, और यहाँ से चाइल्ड लॉक के लिए आपको यहाँ से इसका बटन मिलता है। यहाँ से हम ग्रैब करते हैं इसका डोर, कोई सॉफ्ट पैडिंग आपको यहाँ पे नहीं मिलती। यहाँ पे आप रख सकते हैं बॉटल और यहाँ पे आप स्पीकर्स लगवा सकते हैं, और यहाँ पे भी आपको दी गई है थोड़ी सी स्पेस। डोर्स काफ़ी वाइड ओपन होते हैं वैगनार के। और अगर सीट्स की बात करूँ तो सिर्फ आप ये रिक्लाइन कर सकते हैं, कोई हाइट का आपको फंक्शन इसके बेस वेरियंट में नहीं दिया है। और यहाँ से देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको इसका मिलता है टायर प्रेशर, कितनी हवा भरनी चाहिए। ये मैनुअल ट्रांसमिशन में ही आती है, तो इसका मैनुअल ट्रांसमिशन के तीन पेडल्स, और यहाँ से ओपन कर सकते हैं इसका फ्यूल टैंक। यहाँ पे आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बटन्स दिए गए हैं, यहाँ से हम हेडलैम्प आपके लेवल कर सकते हैं। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट बटन ये है कि यहाँ से आप स्विच कर सकते हैं पेट्रोल और CNG में। तो की आप इंसर्ट करते हैं हम, तो यहाँ पे हमें कोई की रिंग की लाइट नहीं मिलती। तो चेक करते हैं क्या आपको इंटीरियर में फीचर्स मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूँ सेफ्टी की, तो इसमें आपको ABS, EBD और दो एयरबैग्स मिलते हैं। और इस कार ने अपनी ग्लोबल NCAP की रेटिंग में 2 स्टार्स स्कोर किए थे। तो स्टेयरिंग व्हील की बात करूँ तो यहाँ पे आपको डी कट स्टेयरिंग नहीं मिलता, ना कोई आपको मिलता है इसमें लेदर रैप, ये दिख रही है प्लास्टिक। आपको यहाँ पे मिलता है सुजुकी का लोगो, इसके नीचे है इसका एयरबैग, और मैं हॉर्न आपको सुना देता हूँ। तो ये था इसका हॉर्न। यहाँ आपको डुअल फिनिश में मिलते हैं इसका बेज कलर में। तो बंद करते हैं पहले इसका AC। तो यहाँ पे आपको कोई बटन्स भी नहीं मिलते स्टेयरिंग व्हील पे। यहाँ पे आपको दी गए इसके हेडलैम्प्स, कोई ऑटो फंक्शन नहीं है। यहाँ पे इसके वाइपर्स, और बीच में आप देख रहे हैं तो इसका है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जो एक काफ़ी बेसिक आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, जिसमें आपको कोई टैकोमीटर का ऑप्शन नहीं मिलता। और अगर आपको ये चेंज करना हो पेट्रोल और CNG में, तो यहाँ पे आप अगर बटन प्रेस करते हैं तो ये देख रही है, तो आप यहाँ पे पेट्रोल पे चला सकते हैं, और एक और बार प्रेस करते हैं तो यहाँ पे CNG पे कार चलती है। ये देखिए ब्लिंक कर रहा है CNG लिखा हुआ। तो यहाँ पे आपको मिलती है इसकी वार्निंग लाइट्स, इसकी CNG की फ्यूल और पेट्रोल की फ्यूल गेज। तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आपको जॉयस्टिक दी गई है। ये देखिए 45 किलोमीटर चली है गाड़ी, कितनी माइलेज आपको दे रही है, कितना एवरेज। कोई आपको यहाँ पे एक अच्छी
फिनिशिंग दी गई है, फिट एंड फिनिश क्वालिटी आपको बेस वेरिएंट में भी काफ़ी अच्छी मिल गई है, मिल रही है इसमें। सनवाइज़र की अगर बात करूँ तो यहाँ पे टिकट होल्डर, बीच में आपको कैबिन लाइट जो हैलोजन, नॉर्मल IRVM, डे नाइट, यहाँ पे आपको कोई मिरर या यहाँ पे आपको टिकट होल्डर भी नहीं मिलता। ग्रैब हैंडल्स आपको ड्राइवर साइड को छोड़कर सभी के साइड पे मिल जाएंगे, और बीच में आप देख रहे हैं तो स्पीकर्स ना मिलते हैं, ना आपको कोई म्यूज़िक सिस्टम। तो ये बेस वेरिएंट है, अगर आप VXI जाते हैं तो यहाँ पे आपको एक बेसिक म्यूज़िक सिस्टम मिलता है 4 स्पीकर के साथ, पर आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलता। तो यहाँ से आप बाहर से आप लगवा सकते हैं अपना एंड्रॉयड का एक स्क्रीन बड़ी सी, तो काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है आपको बाहर से लगवाने के लिए। और ये इसका हैजार्ड लाइट का स्विच, आपको मैनुअल आपको ये यहाँ पे मिलता है। इसका AC यहाँ पे दिएगा, इसका 12V का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे आप रख सकते हैं अपना फ़ोन। ये इसका मैनुअल ट्रांसमिशन 5 गियर आते हैं, इसमें आपको ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं मिलता। VXI से आपको ऑटोमेटिक AMT का ऑप्शन मिलता है। यहाँ आपको लेदर की रैपिंग दी गई है जो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको रख सकते हैं एक बॉटल, मैनुअल हैंड ब्रेक, कोई आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता। सेकेंड एयरबैग आपको यहाँ पे दिया गया है इसका, और ग्लव बॉक्स भी काफ़ी डिसेंट साइज़ का है, और कोई इल्यूमिनेशन या कूलिंग का आपको यहाँ पे फंक्शन नहीं मिलता। तो ORVM भी इसके काफ़ी प्रिटी नॉर्मल है, क्यों कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि इधर भी आपको कोई बटन्स नहीं दिए गए हैं। तो यही था इसका इंटीरियर जो काफ़ी बेसिक था, और ये कार उनके लिए ही बनी है जो CNG पर चाहते हैं और इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं। तो मॉडिफाई करने के लिए ये कार अच्छी है, और आपको अच्छी खासी माइलेज दे देगी, और आपको दो दो ऑप्शंस मिलते हैं जैसे पेट्रोल और CNG। तो यही थे इसके इंटीरियर्स। तो हम बात करते हैं इसके इंजन की, तो यहाँ से हम ओपन कर सकते हैं इसका हुड। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा इसका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन, इसका आपको 1.2 लीटर का भी ऑप्शन मिलता है। तो ये इसका 1 लीटर का पेट्रोल इंजन 998 cc का, जो निकालता है 58 BHP की पावर। और इसकी टॉर्क की अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपको मिलता है इसका 78 Nm का टॉर्क। ये देखिए आप, 3 सिलेंडर आपको यहाँ पे इंजन मिलेगा। और अगर इसकी माइलेज की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपको 32 km/kg की आपको माइलेज मिलती है CNG में, जो एक काफ़ी अच्छी माइलेज है सिटी के दौर पर, जहाँ पर पेट्रोल के प्राइजेस इतने बढ़ रहे हैं। तो यही थे इसके इंजन के स्पेक्स। तो बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की, तो ये है इसका LXI ऑप्शनल CNG। तो इसकी एक्स शोरूम प्राइस आपको मुंबई में पड़ती है 5,77,000 की, और इसे आप कन्वर्ट करते हैं ऑन रोड प्राइस में तो वो आपको पड़ती है लगभग 6.5 लाख की, 6,45,000 की। तो यही थे इसके प्राइजेस, और CNG में आपको क्या क्या फ़ीचर्स मिलते हैं इसके बेस वेरियंट में। तो काफ़ी बेसिक कार है, तो अगर आप CNG का ऑप्शन देख रहे थे तो यही आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस रहेगी वैगनार में, क्योंकि काफ़ी अच्छा स्पेस प्रोवाइड करती है, माइलेज भी आपको काफ़ी अच्छी दे देगी। तो यही थे इसके फीचर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।